सोलन में भाजपा मंडल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंदर परिहार ने की। उन्होंने कांग्रेस के विधायक डॉक्टर धनीराम शांडिल पर पलटवार करते हुए कहा कि वो राज्य स्तरीय मेले को लेकर ओछी राजनीति कर रहे हैं और संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मेले को लेकर कोई भी राजनीति और भगवाकरण नहीं किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस मेले का राजनीतिकरण करना चाहती है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंदर परिहार ने कांग्रेस विधायक पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने जिले के 3 विधायकों की अनदेखी की और मेले जैसे बड़े आयोजनों में उन्हें बैठने तक का स्थान उपलब्ध नहीं करवा पाई, लेकिन भाजपा उनके बावजूद भी कांग्रेस विधायकों को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी रेस्ट हाउस के 6 नंबर कमरे में हमेशा कब्जा कर सोते रहते हैं और रेस्ट हाउस में जो मंत्री आते हैं उन्हें आराम करने का स्थान नहीं मिलता है। इसीलिए अब भाजपा ये जांच करवाएगी कि आखिरकार किसके कहने पर लंबे समय के लिए विधायक को कमरा दिया जाता है। अतिथिगर सोलन जो सर्किट हाउस है, एक प्रोटोकॉल रहा है कि कोई भी मंत्री जब आता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री यहाँ पे आए हों और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक अपने यहाँ का जो रूम नंबर 6 है उसमें 11 बजे तक वो कुंडी ना खोलें और मंत्री बाहर विजिटर उसमें बैठ के अपना यहाँ पे काम चलाएं, तो हमारे लिए स्थानीय लोगों के लिए ये शर्म का विषय है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यहाँ पे आते हैं और एक प्रोटोकॉल के तौर पर ये कमरा और ये व्यवस्था बनाई गई है कि जब भी कोई मंत्री आता है तो एकदम खाली कर दिया जाता है, पर क्यों उन्होंने इस किस्म का व्यवहार किया है ये शर्मनाक है।